चमन में डीपीओ ऑफिस के करीब धमाका, 5 अफराद जांबहक, 14 जख्मी, बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आजम इमरान खान की मुज़म्मत, हलाकतों पर इजहार अफसोस। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद, साबिक सदर का सेहते जुर्म से इनकार, आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। साबिक सदर ने जाली फ्रंट कंपनी बनाकर बैंक का कर्ज कुर्द बुर्द किया, बतौर सदर मुमलिकत दबाव डालकर कर्ज लिया। शरीक मुलजिमान अनवर मजीद, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सलीम फैसल पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। अठारहवीं तरमीम दी, इसलिए मुकदमात बनाए गए, दबाव डालने के लिए केस बनाए जा रहे हैं। वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। आसिफ जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए बयान, आपके वकील को तारीख मालूम थी, फर्द जुर्म आप पर आयद हुई है। एहतसाब अदालत के जज का आसिफ जरदारी से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में हर किस्म के बिलबोर्ड्स उतारने का हुक्म, लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार नहीं तो घर बैठो। शाहराह फैसल पर इमारतें देखी, इश्तेहार ही इश्तेहार लगे हैं। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सुबह 5:30 बजे शुरू होने वाली बारिश ने तमाम निचले इलाके डुबो दिए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, दो खातीन और एक बच्चे समेत 9 अफराद जांबहक, 141 मकान मुनहदम, 2 पुल तबाह, राबिता सड़कों को शदीद नुकसान। गवादर कराची को सिल शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल, बौलान में पुल और सड़क की बहाली का काम शुरू। दादू के FP बंद में 150 फीट चौड़ा शगाव से दर्जनों देहात डूब गए। बारिशों से कोयटा और सिब्बी के दरमियान जमीनी राबिता मुनकते, रेलवे का शटल ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेन कल से सुबह 10 बजे कोयटा से रवाना होगी, शाम 4 बजे सिब्बी से कोयटा वापसी होगी। अब डैम में पानी की रेलों की आमद, डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 10 फीट रह गई। अब डैम 2023 तक अपनी हद के इलाकों को सैराब करता रहेगा। बारिशों से कब सतह 312 फीट पर थी, बारिशों से सतह 329 फीट हो गई। साहिवाल में आरिपाला रोड पर बस दरख्त से जा टकराई, 5 मुसाफिर जांबहक, 40 जख्मी हो गए। हादिसा बस के टायर फटने से पेश आया, बस काट कर जख्मियों को बाहर निकाला गया, मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 15 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6097 हो गई। मजीद 539 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,84,660 मरीज। सिंध में 2,272, पंजाब में 2,170, खैबर पख्तूनख्वा में 1,231, बलोचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 55, आजाद कश्मीर में 58 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,01,00,000 मरीज, हलाकतें 7,35,000, अमेरिका में 1,65,617, ब्राजील में 1,01,136, मेक्सिको में 52,300, रूस में 14,931, भारत में 44,466, तुर्की में 5,844, ईरान में 18,427, अफगानिस्तान में 1,340 और सऊदी अरब में 3,167 अम्पार। पंजाब में तमाम क्लासेस का इम्तिहानी निसाब 2021 को कम करने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम मजामीन का सिलेबस तैयार कर लिया, हर कोर्स कोई मखसूस और अहम मजामीन सिलेबस का हिस्सा। सिलेबस सितंबर से फरवरी तक के लिए दौरानिया के लिए तैयार किया गया।
वजीर आजम के 16 मशीनों की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर, वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मशीनों की काबिलियत और तैनाती का तरीकाकार तलब, मुल्क के लिए खिदमत और असासों की तफसीलात भी मांग ली। नेशनल कमांडेंट ऑपरेशन सेंटर का इजलास, मुहर्रमुल हराम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कोरोना बढ़ने का खदशा पर तबादला ख्याल, पब्लिक सेफ्टी के हवाले से हुकूमती इकदाम पर ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं लोगों को कोरोना से बचाने का वाहिद हल मुख्तलिफ सरगर्मियों में रहने वाले अफराद की टेस्टिंग है। जमीयत उलमाए इस्लाम के बाद नेशनल पार्टी दी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से नाला, अपोजिशन जमातों में फूट पड़ गई। रहनुमा नेशनल पार्टी सेनेटर मीर कबीर कहते हैं पहले हुकूमतें दो पार्टी सिस्टम पर थी, अब अपोजिशन दो पार्टी सिस्टम पर मुश्तमिल है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई एक ही हैं, मुल्क के फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे माफियाज के पास कोई विजन नहीं, हुकूमत के सामने हर दौलतमंद शख्स चोर और करप्ट है। पाकिस्तान से भारत में जाकर आबाद होने वाले हिंदू खानदान की पुरस्कार हलाकत, 11 अफराद घर में मुर्दा पाए गए, एक शख्स घर में ना होने के बाद जिंदा बच गया, हलाकतों की वजूहात मालूम ना हो सकी, राजस्थान इंतजामिया में खलबली मच गई।